एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा जो भगवान श्री कृष्ण की तरह ही 16 कलाओं में महारत हासिल कर चुका था। वो इतना शक्तिशाली और बुद्धिमान था कि उसने छोटी सी उम्र में ही कई सारे असुरों और राजाओं को युद्ध में परास्त किया था। आप देख रहे हैं प्रजापति फैक्ट टीवी। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आइकन जरूर दबाएं। जब जब महाभारत का नाम लिया जाता है, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम अवश्य लिया जाता है। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे और यहाँ तक कि 16 कलाओं में महारत हासिल कर चुके थे। लेकिन एक ऐसा भी योद्धा था जो भगवान कृष्ण के जैसे ही 16 कलाओं में माहिर था और उनके जितना ही ताकतवर था। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब की। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सांब कितना शक्तिशाली था और उसने किन किन राजाओं और साथ ही असुरों को हराया था। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थीं और उनमें से एक थी जाम्बती, जिनके पुत्र थे संबल। वहीं कृष्ण की अन्य सभी पत्नियों ने सुंदर बालकों को जन्म दिया था। वहीं दूसरी ओर जाम मंत्री ने किसी भी बच्चे को डोट जन्म नहीं दिया था। इस बात से दुखी जाम मंत्री भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और बोली, आपके सभी पत्नियों ने पुत्र और पुत्री को जन्म दिया है, लेकिन मैं क्यों अभागी रही। मैं आपसे एक पुत्र का अनुरोध करती हूँ। अपनी पत्नी का दुख देखकर भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि अभिमन्यु के आश्रम में गए और उनकी सलाह के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। 6 महीने बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति की कामना की और मनोकामना मांगी। कृष्ण चाहते थे कि उनका पुत्र सांब बिल्कुल शिव जैसा हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव का मुख्य कार्य विनाश करना है। जल्द ही जामवंती को एक बेटा पैदा हुआ, क्योंकि शिव के अर्धनारीश्वर रूप को भी कहा जाता है, इसीलिए जाम मंत्री के पुत्र का नाम रखा गया। कहा जाता है कि सांप अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही अत्यंत खूबसूरत था। उनकी खूबसूरती की दीवानी दुर्योधन की बेटी लक्ष्मण भी हो गई थी। पराक्रमी सामने भरी सभा में लक्ष्मण को भगाकर ले गए थे और महाभारत के सभा पर्व के अध्याय 4 के अनुसार प्रद्युम्न सांब सत्यकी और तथा निरुद्ध में अर्जुन के पास रहकर धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी और अपने भाई प्रद्युम्न की तरह ही उन्हें भी मायावी शक्तियाँ का काफी ज्ञान था। वही बात की जाए सांब के बल की, तो सामने बालक अवस्था में ही चमरासुर की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। सामने महाभारत के युद्ध में कितनी ही सेनाओं का सहार किया था। जब शाल ने अपनी विशाल सेना सहित द्वारका पर आक्रमण किया तो उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में नहीं थे। सब सामने शाल के मंत्री और सेनापति सबको युद्ध में परास्त किया था। कहा जाता है कि सांप का जन्म ही द्वारका के अंत के लिए हुआ था और ये बात भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 साल बाद एक दिन द्वारका में महर्षि विश्वामित्र, कणव, देवऋषि, नारद इत्यादि आए हुए थे। वहां कुछ नवयुवक उनके साथ मजाक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांप को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि जान गए कि ये बच्चा उनका उपहास उड़ा रहा है। क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दे दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र समस्त यदुवंशियों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा। केशव के प्रभाव से दूसरे दिन ही सामने मूसल उत्पन्न किया। राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा कर समुद्र में डलवा दिया, लेकिन जो होना है वो होकर ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण देखा कि इस समय ग्रहों में वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के समय बन रहा था। श्री कृष्ण ने जब ये सब देखा तो उन्होंने सोचा कि माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है।
द्वारका में बाप बढ़ने लगा और ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका छोड़ दी और वहीं बलराम जी ने समाधि ले ली। कहते हैं जब राजा उग्रसेन ने उस मुसल को चूरा कर समुद्र में डलवा दिया तो उस मुसल को एक मछली ने निगल लिया और उसके पेट से एक छोटा सा धातु बन गया। उस मछली का शिकार एक बहेलिया ने किया और मछली के पेट से वो धातु मिल गया जिससे वो तीर बना और उस तीर से ही भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार का अंत हुआ। वो वापस भगवान विष्णु में जाकर विलीन हो गए। उधर द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई और सभी यदुवंशियों ने एक दूसरे का विनाश किया। दोस्तों, अगर आपको शाम से जुड़ी हुई है खास जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी।